सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। कैसे हो सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है सर? नाम क्या है? अरे देखो ना, यहाँ पर ही लिखा है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। तो मैंने पिछले क्लास में पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन को खत्म कर दिया था, तो आज हम सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट को देखेंगे और इसके बारे में जो जो क्वेश्चन आ सकता है, जो जो प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग पूरा अंत तक देखोगे, जो भी क्वेश्चन आ जाए सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन से, आप लोग इजीली कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नए जोश के साथ चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, प्लीज अपने नोटबुक और पेन लेके बैठना, जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा नोट करते जाना। अगर नोट नहीं कर रहे हो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देख के। सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन की पहला पॉइंट यही होगा कि सब्सट्रेट क्या लेंगे, और आप लोग बोल सकते हो रिएक्टेंट क्या हम लेंगे। तो रिएक्टेंट के तौर पे हम ऐसा सिस्टम लेंगे, देखो प्लीज ध्यान से देखना, कार्बन के साथ एक ओइज रहेगा, जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन में था, वहां पर क्या था, ये था ना 1,2-diol सिस्टम था ना, पर यहां पर एक OH के जगह पे ओनली क्या ग्रुप आएगा सर, amine, दैट इज NH2। तो ये सिस्टम बेसिकली रहेगा। अब इसके साथ जब हम NaNO2HCl की रिएक्शन करवा देंगे, तो हम यहां से क्या जनरेट करेंगे, कार्बोनिल कॉम्पाउंड की जनरेशन होगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट के तौर पे मॉलिक्यूल हमको मिलेगा वो कार्बोनिल कॉम्पाउंड। यहां पर कॉमनली जो कार्बोनिल कॉम्पाउंड हम लोग तैयार करते हैं वो कीटोन होता है, कीटोन होता है। तो मेनली अगर मैं मोर स्पेसिफिक बोलू कीटोन होगा, राइट? यहां पर देखो, तो मैं एक एग्जांपल के साथ रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो यहां पर NaNO2HCl के जगह पे कोई कोई टाइम HNO2 भी दे सकता है, दैट इज नाइट्रस एसिड। तो यहां पर HNO2 भी लिख लो। तो एक एग्जाम्पल को मैं मान रहा हूं, यहां पर अगर मैं चारों पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, तो इसके साथ जब हम HNO2 की रिएक्शन करवा देंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा वही हम पहले देखेंगे, और इसके साथ हम और एक चीज देखेंगे, क्या इसका मेकानिज्म भी इसके साथ हम लोग देखेंगे। इस पे देखिए सर, यहां पर तो HNO2 है और यहां पर क्या है NH2। तो NH2 के साथ जब जब HNO2 और NaNO2HCl दिया जाएगा तो क्या होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, इसके साथ जब हम NaNO2HCl की रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या होता है सर, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब NH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू N2+, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, एमी उसके साथ कार्बन जो है उसको रहने दो, यहां पर OH जो था उसको भी एसिडिस रख दो, पर यहां पर सर N2+ आ जाएगा, N2+। आप गौर से यहां पर देखना सर, N2+ की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाए तो नाइट्रोजन तो सर बहुत ही लिविंग ग्रुप अच्छा है, N2 इज वेरी मच गुड लिविंग ग्रुप, और अगर मैं मोर स्पेसिफिक बताऊं ये वर्ल्ड की बेस्ट लिविंग ग्रुप है अकॉर्डिंग टू क्लेडन बुक। तो इसलिए ये तो सर बाहर जाएगा ही, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाएगा, दैट इज न्यूट्रल फॉर्म में बाहर जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर जाए तो यहां पर कार्बन के ऊपर कैसा जा जाएगा सर, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके ऊपर वैकेंसी क्रिएट हो गया, क्यों, क्योंकि कार्बन की क्या है क्षमता कितना है सर, 4 बॉन्ड बनाना, पर यहां पर कितना बॉन्ड रहेगा सर, 3 बॉन्ड। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एकदम सही आपका ऑब्जर्वेशन। तो एमी यहां पर कार्बन जो था वो तो रहेगा, और यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और यहां पर OH, और यहां पर 2 मिथाइल था वो एज इट इज रह जाएगा। अब यहां पर प्लीज सामने देखना, समझते जाना जो मैं बोल रहा हूं सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये पुश करेगा, और यहां से ये
शिफ्ट होगा। अब देखो यहां पर तो मिथाइल है ना, दोनों जगह पे ही मिथाइल है, तो मिथाइल की माइग्रेशन होगा, और कोई ग्रुप यहां पर प्रेजेंट ही नहीं है जो माइग्रेट कर सकते हैं, इसलिए यहां पर मिथाइल की माइग्रेशन होगा। और देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर सर पॉजिटिव आ जाएगा, और जब जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना सर, भयानक अनस्टेबल हो जाएगा। तो भयानक अगर अनस्टेबल हो जाए तो क्या होगा, भयानक अनस्टेबल कोई भी होना नहीं चाहेगा, होना नहीं चाहेगा। तो ये H प्लस को हम लोग देखेंगे अल्टीमेटली रिलीज कर देंगे, राइट। तो अगर H प्लस को ये रिलीज कर दे तो किसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी यहां पर एक ही मिथाइल होगा क्योंकि एक मैंने ऑलरेडी शिफ्ट करवा दिया, तो यहां पर एमी कार्बन, नाउ एमी कार्बन डबल बॉन्ड दो और यहां पर कार्बन तीन मिथाइल, तो ये कैसा मॉलिक्यूल सर, ये तो कीटोन बना। मैंने क्या बोला था, कार्बोनिल कंपाउंड में से कीटोन की फॉर्मेशन होता है, मोर स्पेसिफिक अगर मैं प्रोडक्ट की बात बताऊं तो यही था सेमी पिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन की मेकैनिज्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं आप क्वेश्चन नंबर टू को ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल दिया गया है, मैं यहां से यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं आपके सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट अगर यहां से ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो यहां पर एमी था, यहां पर ओएच था, सीएच टू देन एनएच टू। अब देखो कार्बोकैटायन कहां पर फॉर्म होगा सर, ऑब्वियसली ये NH2 के साथ अगर HNO2 की आप लोग रिएक्शन करवा दोगे तो क्या होगा सर, ये तो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो N2 तो सर वर्ल्ड की बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो ये अगर मैं बोलू N2 प्लस में चला जाएगा अगर मैं HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दू, यहां पर मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं अगर मैं HNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, राइट। नाउ दिस विल बी गुड लिविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, ये छोड़ के चला जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगा, अरे हाँ या ना, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर छोड़ के चला गया और कार्बन की आप कितना बॉन्ड बनाया सर, तीन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट से, व्हाई, बिकॉज यहां पर मिथाइल भी माइग्रेट हो सकता है और ये काइडल एल्किल ग्रुप भी माइग्रेट हो सकता है। ये हाइड्रोजन किस में है, बिलो द प्लेन, ये मिथाइल अबव द प्लेन, और ये दोनों प्लेन में है, ठीक है। तो ये इथाइल एक है, नाउ प्लीज नोट इट डाउन करेक्टली, ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये पुश बैक करेगा, आप मिथाइल भी माइग्रेट कर सकते हैं, ये पूरा काइडल एल्किल ग्रुप भी माइग्रेट कर सकते हैं, हाँ या ना। अब माइग्रेट कौन करेगा सर, यहां पर जो माइग्रेशन होता है ये काइरल एल्किल ग्रुप की होता है, राइट। अब क्यों होता है, देखो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं मानू एक साथ में इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए माइग्रेट होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वही माइग्रेट करेगा। क्यों, क्योंकि सर यहां पर तो वैकेंसी और डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ, तो डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ इसलिए इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सिस्टम ही माइग्रेट होगा, राइट। नाउ प्लीज ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, ये जो था ईटी देन कार्बन, यहां पर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन था, यहां पर अबव द प्लेन मिथाइल, इसको आप डैश भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, वेज। नाउ हेयर व्हाट हैपेंस, ये कार्बन के साथ ये कार्बन की बॉन्ड नया बना, अब इस कार्बन के साथ क्या है सर, कार्बन के साथ और एक कार्बन की बॉन्ड है, एक मिथाइल प्रेजेंट है और यहां पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट किया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वायरा कंस्टेबल, इसलिए ये H प्लस को हम अगर रिलीज कर दे तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी विल जनरेट, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच सकते हो सर, ये जो माइग्रेट हुआ इसकी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ, क्यों, क्योंकि रिअरेंजमेंट के टाइम में ये फ्री नहीं था, राइट, तो इसलिए ये प्रोडक्ट की हमने फॉर्मेशन कर दिया।
अब इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये क्वेश्चन नंबर टू हमने खत्म कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर थ्री को देख लेते हैं। देखो NH2 है ना, NH2 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा सर, N2+ में। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन की मैं एक बार में ही आपको बोल रहा हूं कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू, तो ऑक्सीजन की लोन पे डोनेट करेगा, इसका रिंग एक्सपांशन होगा और N2+ बाहर चला जाएगा। इसका मतलब सर सेवन मेंबर था पर एट मेंबर में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और यहां पर मैं अगर एट मानू तो क्या हुआ, वन और सेवन के बीच में जो बॉन्ड था सर वो तो बॉन्ड टूट गया। अब क्या हुआ सर, सेवन और एट के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो सेवन मेंबर से एट मेंबर में चला गया। तो पहले आप लोग क्या करोगे, एट मेंबर को ड्रॉ करो, तो यहां पर क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक मेंबर होगा, एट। ओके नाउ अब एट के साथ क्या है, एट सेवन और एट के बीच में नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ एकदम से ही। अब वन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इस पॉजिटिव चार्ज को नालीफाई करना पड़ेगा, इसलिए H प्लस की रिलीज हो जाएगा, H प्लस विल रिलीज। नाउ दिस टाइप ऑफ कीटोन विल फॉर्म, साइक्लिक कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या हुआ, सेवन मेंबर से एट मेंबर में चला आया, इसका मतलब रिंग की एक्सपांशन हुआ, रिंग की एक्सपांशन हुआ किसके थ्रू सर, किसके थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू, राइट। तो हमने क्वेश्चन नंबर थ्री को भी कंप्लीट कर दिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जाने से पहले इसको पहले राफ कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो क्या मैंने लिया है, एक फाइव मेंबर रिंग, यहां पर एक डबल बॉन्ड होगा, और यहां पर मैंने फोर मेंबर रिंग एक लिया, और यहां पर OH और CH2NH2। अब देखो यहां पर प्लीज एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा, क्या यहां पर भी रिंग एक्सपेंशन होगा, क्यों, क्योंकि फोर मेंबर से फाइव मेंबर इसलिए जाएगा क्योंकि स्ट्रेन रिलीज करना है। HNO2 के साथ अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दू तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बोलो सर, ये तो N2+ में चला जाएगा एकदम से ही, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम से ही तो N2+ में चला जाएगा। अब ये तो वर्ल्ड की बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेट करेगा, अब यहां से क्या होगा, रिंग की एक्सपांशन होगा, और जब रिंग की एक्सपांशन होगा तो ये फोर मेंबर से फाइव मेंबर में चला जाएगा। अरे हाँ या ना, रिंग की एक्सपांशन क्यों होगा, क्योंकि सर फोर मेंबर था फाइव मेंबर इसमें जाएगा, स्ट्रेन था, स्ट्रेन रिलीज करने के लिए वो फाइव मेंबर में जा रहा है, तो यहां पर भी फाइव मेंबर की फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहां पर ना नंबरिंग करो, वन टू थ्री फोर, इसको मैं फाइव मान रहा हूं, राइट। अब वन इसको मैं बोल रहा हूं, इसको टू बोल रहा हूं, इसको थ्री, इसको फोर और इसको फाइव। क्या हुआ यहां पर, वन और फोर के बीच में बॉन्ड टूट गया, किसके बीच में बॉन्ड बना, फोर और फाइव के बीच में, हाँ सर, तो यहां पर CH2 हो गया। अब वन ने क्या किया, ऑक्सीजन की लोन पे डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब ये अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करवा दू तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ना, दिस कीटोन विल बी फॉर्म्ड। तो प्लीज इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, राइट। तो हमने सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन को खत्म कर दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं डेमजानोव रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करूंगा, और डेमजानोव होने के बाद टिफेनियो डेमजानोव रीअरेंजमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगा, और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन की लेक्चर सीरीज पूरा अंत तक होगा। तो जितना रीअरेंजमेंट रिएक्शन है मेरे बुक में और आपके सिलेबस में,
ऑल रिएलमेन रिएक्शन विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर सीरीज। बाय बाय एवरीवन, अच्छे से रहना। थैंक्स।